स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? और कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था. कितनी रोशनी आ गई. सो कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था. आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मैंने अपने किचन का टॉवल चेंज कर दिया. एक्चुअली मैं, ये विनी का टॉवल था, पुराना टॉवल था, तो अभी ये यूज़ नहीं होता था, तो मैंने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया. जो पुराना वाला था उसको मैंने हटा दिया. और अभी आज मैंने सुबह इडली बनाई थी तो विनी को भी दे दी थी, और अभी इडली ज़्यादा बनाई थी तो अब मैं उसकी फ्राइड इडली बना रही थी. मतलब बन चुकी है मेरी फ्राइड इडली, मैं आपको दिखा देती हूँ. आप प्लेट में मैं निकाल रही थी. सो ये मेरी फ्राइड इडली मैंने बनाई हुई है और भूख लग रही है. सो हम अपनी इडली खा लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं. जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो स्कूल जाते हैं, पता है? ठीक है, आप मत जाना, बस आप मत जाना. ओके. और स्कूल में अच्छा लगा था? क्यों स्कूल में अच्छा लगा था? भी नहीं और विनी को मैं कुछ ना कुछ मतलब फन लर्निंग कराती रहती हूँ. सो अभी मैं इस तरह से उसको कुछ लर्न करा रही थी. और यहाँ पे मैंने स्माइलीज बना दी थी, यहाँ पे मैंने स्माइली बना दी थी और उसको मैंने कुछ नंबर लिख दिए थे. 1, 2, 3 नंबर लिखे थे, जिनमें से कुछ रॉन्ग पैटर्न में लिखे थे और कुछ राइट पैटर्न में लिखे थे. तो मैंने उसको बोला जो सही तरीके से लिखा है उसको स्माइली से लाइन ड्रॉ करते हुए कनेक्ट कर दो. सो यहाँ पे वो वही कर रही थी. सो वो मोस्टली वन तो देखो इजी होता है, चाहे रॉन्ग हो या फिर राइट हो, बट वो मोस्टली ना 3 में कंफ्यूज हो जाती है कि रॉन्ग कौन सा है और राइट कौन सा है. तो वो कंफ्यूज हो जाती है, ज़्यादातर वो 3 में ही होती है. बट कोई नहीं, बच्चे हैं, धीरे धीरे ही सीखेंगे. तो उसका भी यही है. अब देखो 1 को उसने कितने जल्दी कनेक्ट कर दिया, बट वो 3 में बहुत देर में कनेक्ट कर पाती है. मतलब मुझे उसे बार बार बताना पड़ता है कि विनी 3 ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं. तो यहाँ पे मैं उसको इंस्ट्रक्शन भी देती जा रही हूँ कि बताओ इसमें से 2 जो है वो कैसे बनाते हैं 2. तो वही मैं सब कुछ इसको बता रही हूँ. बट मेरा बच्चा है, कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा. और उसके स्कूल में भी इस तरह का होमवर्क दिया गया था, तो उसमें तो सिर्फ उसने बुक में एक ही बार किया, फिर मैं ऐसे नोटबुक में कई बार उसको कराने लगी. फिर शाम के टाइम मैं ना एग फ्राई बनाने लगी, एग ऑमलेट फ्राई. सो यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ. दूसरी साइड चाय रखी हुई है बनने के लिए और यहाँ पे मैं ब्रेड ऑमलेट फ्राई बना रही हूँ. सो वही बटर मैंने लगा दिया था, उसके ऊपर ब्रेड रख दी और उसके ऊपर से फिर मैंने एग ब्रेक करके डाल दिया. सो इसी तरह से मैं बना रही थी. ऊपर से मैंने सॉल्ट डाल दिया. और विनी को एग पसंद है, वो बॉइल्ड एग खा लेती है, ऑमलेट खा लेती है, एग ग्रेवी खा लेती है और एग फ्राई भी खा लेती है, ब्रेड ऑमलेट खा लेती है. तो इसीलिए मैं उसके लिए भी बना रही थी कि वो भी अच्छे से खा लेगी. तो चीज़ें वो बनाती रहती हूँ कि जो उसको पसंद है और वो अच्छे से खा ले. कुछ चीज़ें उसे पसंद नहीं है तो वो मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी कर लूँ, वो नहीं खाती है. बट एग वगैरह तो वो अच्छे से खा लेती है. हाँ, नॉनवेज मतलब सिर्फ एग ही खाती है, बाकी हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, ना ही घर में बनता है, लेकिन एग बना लेते हैं बस. विनी से हाय. अच्छा विनी, ये बताओ मम्मा अभी कहाँ जा रही है? घूमी तो जा रही, पर मम्मा किस लिए जा रही घूमी? यार उस पे देखो, ये स्टैंड पे टंगी हुई होंगी, मिल गई तो हम जा रहे हैं हेयर कट करवाने के लिए. विनी, मम्मा जा रही है अपना हेयर कट करवाने के लिए, है ना? विनी करवाएगी हेयर कट? नहीं. ओके चलो, विनी का नहीं करवाएंगे, ठीक है? मम्मा करवाएगी अपना हेयर कट, ठीक है? तो चलो हेयर कट करवाने चलते हैं. ओके बाय. विनी
दिखाऊंगी फोर रेटिंग करके। लाइटें दिखाई दे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और सुबह के 7:30 बज रहे होंगे शायद, अभी मैंने देखा नहीं टाइम अंदर, क्योंकि मैं काफ़ी देर से किचन में हूँ। मिनी के लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, उसके टिफ़िन के लिए भी, तो मैंने आलू का पराठा बनाया था और अभी मैं ये कुछ मखाने हैं तो इनको घी में रोस्ट कर रही हूँ, तो थोड़े से ये भी मैं उसके लंच बॉक्स में रख दूँगी और थोड़े से वो अभी खा भी लेगी और हम लोग भी चाय के साथ इसे खा लेंगे। और दलिया भी बनाऊँगी अभी मैं खाने के लिए, तो इन्हें मैं एक तरफ रोस्ट कर देती हूँ, दूसरी तरफ मैं दलिया रख दूँगी बनने के लिए, फिर उसके बाद जाऊँगी विनी को उठाने, क्योंकि वो अभी तक सोई हुई है, उसे उठाऊँगी, ब्रश कराऊंगी। ब्रश करने को बोलती है मम्मा विन्नी को, अपने आप को पता नहीं क्या विन्नी भी नहीं बोलेगी, निन्नी बोलेगी, निन्नी निन्नी निन्नी, मम्मा निन्नी को ब्रश योर टीथ करना है, तो अभी उसको उठाऊंगी। और जैसा कि कल आपने देखा, मैं गई थी हेयर कट करवाने के लिए, सडन प्लान बन गया मेरा, ऐसा कोई प्लान नहीं था, सडनली मेरा प्लान बन गया हेयर कट का। सो मैं कल हेयर कट करवा के आई थी और फिर आने के बाद मैंने अपने बालों में ऑयल लगा लिया था, आज मैं हेयर वॉश करूंगी, उसके बाद आप लोग बताना मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। सो विनी को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और फिर मैं बाहर आ गई थी अपने प्लांट्स में पानी डालने के लिए। मैं आपको अपने प्लांट्स दिखा देती हूँ, तो ये साइड में एलोवेरा है और उसके बाद ये तुलसी जी और उसके बाद ये रोज़ जिसमें एक कली खिल गई है अभी हाल ही में खिली है, बहुत प्यारी लग रही है। एक सेकंड, ब्लर, हाँ अब देखो बहुत प्यारी लग रही है। और ये है मनी प्लांट और ये भी है एक फ्लावर ही है बट मुझे इसका नाम याद नहीं है। और ये साइड में इसमें सचिन ने चने बोए थे कि साग खाएंगे, साग आएगा, बट वो चने ढंग से हुए ही नहीं है, उस साइड के तो सूख ही गए हैं एकदम, और ये वाले हुए थे तो ये इस तरह के हुए थे जो कि साग बनाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्हीं में मैं पानी डालने आई थी बाहर, तो मैंने कहा चलो आपको अपने प्लांट्स भी दिखा देती हूँ, चलो मैं अब पानी डाल दूँ इन सब में। और विनी को स्कूल से लाते टाइम मैं एक शॉप पे भी चली गई थी, मतलब वहाँ से मैंने एक बर्तन की डलिया ली, बिकॉज मैं बर्तन धोती हुई तो वहीं पे स्लैब पे रख देती थी, तो वो स्लैब हल्की हल्की ना थोड़ा पता नहीं वाइट सी होती जा रही थी इस वजह से, सो मैं उसकी उनको रखने के लिए मतलब एक बास्केट लेके आई हूँ इस तरह की। तो इस तरह की मैं ये प्लास्टिक की बास्केट ले आई और विनी के लिए एक इंग्लिश नोटबुक लेके आई हूँ, ABCD के लिए ये टूथब्रश किट लेके आई हूँ, टूथब्रश केस, तो इसमें टूथब्रश रखने के लिए, और उसके बाद एक मैं ये एक मग लेके आई हूँ। तो लौटते टाइम मैं ये चार चीज़ें मैं ये खरीद के लेके आई हूँ अपनी गृहस्थी में गृहस्थी के लिए। और पानी डाल के अब मैं चली अंदर अपने काम पे लगती हूँ।